हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके कैफ़े। बहुत टाइम से इस वीडियो की डिमांड थी, अब मैं भी ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कई एस्पिरेंट्स, जैसे मैंने अभी हाल ही में पोल भी कराया था, कई बच्चों ने उससे डिमांड करी थी कि आप ग्रुप डी को लेके कोई वीडियो नहीं देते, और मैंने पोल के अकॉर्डिंग देखा था लगभग 57% जिन्होंने बच्चों ने पोल करा था कि हाँ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेरे चैनल में ज़्यादातर बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो करते हैं तो थोड़े ऊपर लेवल की करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लेवल नीचे हो जाता है ग्रुप डी का, और खासकर मैं रेलवे की प्रिपरेशन नहीं कराता, तो इसलिए चीज़ों ने मैंने पोल करके देखा, क्योंकि कई लोग लगातार कमेंट करते थे आप ग्रुप डी का कोई कंटेंट देते नहीं। उसी से रिलेटेड है ये वीडियो आपकी एसएससी के लिए, सॉरी ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रिपरेशन। क्योंकि देखिए, 25 मार्क्स से आपकी ग्रुप डी में आती है, और ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करती है। अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। ठीक है, टारगेट रखेंगे कि 25 में से 25। मैं हमेशा से बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि 25 में से 25 के साथ सकते हैं, टारगेट आप 25 में से 25 रखिए। आपके 20 आते हैं, 22 आते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट टारगेट आपको पूरे पूरे रखने पड़ेंगे। और ये अचीवेबल है, ऐसी बात नहीं कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता, राइट। तो वीडियो में आपको यही डिस्कस करके बताऊँगा कि साइंस कैसे करनी है, 3-4 क्वेश्चन जो आपके हमेशा से रहते हैं, कि सबसे पहली बात कहाँ से आती है आपकी साइंस जो ग्रुप डी में है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लेवल इसका अच्छा होता है, जैसे पहली बात क्वेश्चन, दूसरा आपका लेवल क्या है, लेवल आपके ग्रुप डी में अच्छा पूछा जाता है। देखिए, अगर आपके 10th लेवल के आपको ये सोच रहे होंगे कि इसमें लेवल कम होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। लेवल इसका अच्छा होता है साइंस का, जितना मैंने खुद देखा है। क्योंकि अगर आप स्टेट पीसेस की बात भी कर रहे हैं, तो उससे लेवल के भी आपके पूछे गए थे इस बार। अगर मैं ग्रुप डी का देख रहा था एक बार पेपर की, साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए, तो अच्छे लेवल के थे। और NCERT पढ़े या ना पढ़े, ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। लगातार एक महीने बचे, मेरा मानना है कि अगर आप प्रिपरेशन ये रखते हैं, स्ट्रेटेजी रखते हैं साइंस के लिए, तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस में। क्योंकि सिलेक्शन ये डिसाइड करेगा, और इसमें सबसे ज़्यादातर बच्चों को वीक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, देखिए मिथ क्लियर कर लीजिए। मिथ आपका मिथ क्या है, देखिए कई लोग बोलते हैं कि बहुत नॉर्मल होती है, आप स्पीडी वगैरह बुक लगा लीजिए, राइट। स्पीडी जो आती है आपकी साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए, कई लोग बोलते हैं ल्यूसेंट को प्रेफर करते हैं। पहले मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, देखिए कोई भी कंटेंट को लेके मैं वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट आप ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देखेंगे तो ग्रुप डी में आपका नॉर्मल लेवल की नहीं पूछी जाती। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप स्पीडी भी करके ले लीजिए, आप 2018 का पेपर उठा के देखिएगा, आपको कुछ ही क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे तो पेपर में आपका ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना मैंने देखा था बहुत डिटेल के पूछे जाते हैं, इतने बारीकी क्वेश्चन होते हैं कि आपको जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक नहीं हो पाएगा। आप वो क्वेश्चन छूट गए, जैसे होता था कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कि आपका किस कारण जैसे तारे टिमटिमाते हैं, वो से क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, 25 में से अगर आपके मान के चलिए आ भी रहे हो क्वेश्चन, तो ज़्यादा कितने होंगे, 10 क्वेश्चन। आगे आपके जो 15 क्वेश्चन है, यही डिसाइड करेंगे कि इनके बच्चों ने कितना नहीं करना है। क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ईजिली सभी कर लेंगे, और सिलेक्शन लेने के लिए हमको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन पर टारगेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आप अगर 2018 का पेपर देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे, जो बच्चे रट्टा मार के गए थे उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। तो देखिए, सबसे पहली बात कहाँ से आती है, सबसे बात हम साइंस की बात करें तो देखिए, मैं आपको बोलूँगा अगर आप स्पीडी या ल्यूसेंट करें, ल्यूसेंट एक तरीके से आपके फिर भी ठीक है, बट स्पीडी वगैरह पे मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा फोकस ना रखें। आप उसको पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग, बट बेस मजबूत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी बुक चाहिए जो कॉन्सेप्चुअली आपके लिए अच्छी हो। लेवल मैंने आपको बता दिया, अच्छे लेवल की पूछी जाती थी, आप खुद ग्रुप डी का पेपर देख सकते हैं, अच्छे लेवल की साइंस पूछी गई थी, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस थी। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है, NCERT पढ़े या ना पढ़े, तो 100% आपको पढ़नी चाहिए। और कौन सी क्लास की पढ़नी है, तो 9th से लेकर 10th क्लास, बस ओनली ये दो बुक आपको पढ़नी है। 6, 7, 8 इसमें कोई खास नहीं पूछी जाती साइंस, बहुत नॉर्मल लेवल की होती है, जिनको सभी को पता होता है। मेन कॉन्सेप्ट जो बनते हैं यहीं से बनते हैं। और अगर आप देखेंगे 2018 के पेपर, क्योंकि देखिए NCERT बुक्स मैंने खुद पढ़ रखी है साइंस की, क्योंकि SSC के टाइम पर पढ़ा भी था, तो ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे सारा वहीं से पूछा गया था, और कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं। जितना डिटेल में इसके अंदर दे रखा है NCERT, वहाँ पर और आपको कहीं ये नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप UPSC लेवल तक की हम बात करें, तो NCERT को ही हर रिकमेंडेशन दी जाती है कि इसी को आपको साइंस करनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो लिसेंट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको NCERT को ज़्यादा प्रेफर करने के लिए बोलूँगा, फिर बाद में आप प्रीवियस ईयर्स लगा लीजिएगा। अगर हम बात कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर में बात करूँ, देखिए SSC की बात करते हैं, SSC में आपके रेलवेज़ में, सॉरी SSC में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर साइंस का लेवल बहुत कम होता है। आपका बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विटामिन डी का नाम क्या है या इसमें क्या है। रेलवेज़ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उनका रेशियो बहुत कम होता है। अगर आप 25 में से बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन होंगे जो आपके रिपीटेड टाइप के होंगे। बाकी आपकी कॉन्सेप्ट में कितनी पकड़ है, साइंस में कितनी पकड़ है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आपको करने की ज़रूरत है। तो NCERT सबसे पहले करें, मैंने आपको बता दिया। NCERT को करने का तरीका आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, वैसे मैं बोलूँगा चैनल्स पे ना जाए किसी भी,
ज़्यादातर कई लोग बोलते हैं कि आप चैनल्स के थ्रू बता दीजिए कौन सा चैनल है, मैं बोलता हूँ खुद पढ़े। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो डायरेक्ट आप सर्च करिए उसी चैप्टर को, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर उसका सॉल्यूशन। देखिए कई लोग, एक चीज़ और बता दूँ, कई लोग बोल रहे थे आप ई बुक प्रोवाइड करा दीजिए, बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, खासकर SSC वाले भी, रेलवेज़ वाले NTPC के टाइम पर कह रहे थे कि आप साइंस की अपनी ई बुक प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि देखिए स्टैटिक GK और हिस्ट्री की बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, आपकी NCERT एग्जामिनेशन, सॉरी जो NTPC का एग्जामिनेशन हुआ था हिस्ट्री और इसको लेकर। देखिए अगर आपको चाहिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री और स्टैटिक GK, क्योंकि स्टैटिक GK भी आपकी बहुत पूछी जाती है, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। क्योंकि देखिए बेसिकली मैंने स्टैटिक GK जो आपको प्रोवाइड कराई थी, मैंने आपको बताया था दो बुक से बढ़िया आप एक बुक को पढ़े। अब मुझे प्रॉब्लम ये आती थी, पहले मैं ल्यूसेंट पढ़ता था फिर प्रीवियस के क्वेश्चन लगाता था, सेम वही प्रॉब्लम आपकी साइंस को लेकर है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप एक बुक को पढ़ें, उसमें आपको प्रीवियस भी कंपाइलेशन होनी चाहिए और खुद आपका डिटेल का भी होना चाहिए। सेम वैसे मैंने स्टैटिक GK प्रोवाइड कराई थी तो लोगों को बहुत पसंद आई, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। सेम हिस्ट्री की है, उसमें आपको अलग जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कई लोग बोलेंगे ये SSC के लिए बनाई है, तो ऐसा नहीं है, SSC और रेलवेज़ का सभी का सेम पैटर्न होता है, तो आप इन दोनों को ले लीजिएगा, आपको इन दोनों को लेकर दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं साइंस को लेके बोलूँ तो उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा था कि आपको प्रोवाइड करा दूँ एग्ज़ाम से पहले, बट अब इतना टाइम है नहीं जो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, तो आपको यही बोलूँगा पहले NCERT पढ़िएगा, और आपको कोई चैनल वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं, जो बहुत चैनल आपको प्रोवाइड कराते हैं, खुद पढ़ें। और आपको जैसे कोई, जैसे मान के चलिए लाइट के चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत सर्च करना है आपको लाइट चैप्टर, वो चाहे NCERT का ही कोई टीचर पढ़ा रहे हों उनका देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको करना कैसे है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ई बुक आपको नहीं मिल पाएगी, लगातार आप कह रहे थे कि आप वीडियो के थ्रू बता दीजिए ई बुक कब आ रही है, तो वो नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, वो जब आएगी कभी आएगी, बट आपको अपनी प्रिपरेशन में इसी में लगे रहना है, NCERT पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। और मेरा मानना है अगर आपने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ा तो अब प्रीवियस ईयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, तो सबसे पहले ये चीज़ रखना है, और बाकी ल्यूसेंट या SPD पर ज़्यादा फोकस ना रखें। हाँ, प्रीवियस ईयर के लिए आप कर सकते हैं, बट थोड़ा डिटेल के क्वेश्चन आप पढ़ने के लिए आपको NCERT को ही सहारा लेना पड़ेगा। तो बस यही कहने का मतलब है, वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, और अगर आपको ई बुक चाहिए उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से ले लीजिएगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।